तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि एक हम लोग के पास एक रॉड है, दिस इज द रॉड। और ये जो रॉड है, अगर आप देखोगे तो ये रॉड यहाँ से क्रॉस सेक्शनल इसकी एरिया, रॉड की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डेटा यहाँ दिख रहा हूँ, रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, ठीक है। और रॉड की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर में है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जो है वो 400 है। इंसुलेटेड वायर, अगर इस पे मैं एक वायर लपेट देता हूँ, इस ग्लास के रॉड पे एक वायर रैप कर देता हूँ इस टाइप से कुछ, तो ये एक सोलेनाइड बनेगा और जिसके अंदर एक रॉड होगा, मेटालिक रॉड, ठीक है ना। तो फॉर इफ ए करेंट 2.4 एम्पियर, यहाँ से जो करेंट है वो मैं 0.4 एम्पियर फ्लो करा देता हूँ, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगी इन द वायर। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इन द विंड, मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइनेट विथ दिस रॉड एंड वायर इंटू 4×10⁻⁶ है। देन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द रॉड, रिलेटिव परमिटिविटी, आप आई हो कि आपको पता होगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इन साइड द रॉड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू सोलेनाइड के अंदर म्यू नॉट एन आई होता था, लेकिन म्यू नॉट तो तब होता था जब वैक्यूम होता था ना भाई। तो अभी जो यहाँ म्यू आएगा वो म्यू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि अंदर जो है मटेरियल ऐसे बिहेव कर रहा है कि अंदर मटेरियल है, तो यहाँ म्यू नॉट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, म्यू आएगा। और ये जो म्यू है वो क्या होता है भाई, म्यू होता है परमीएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। पहले जो है परमीएबिलिटी ऑफ मटेरियल वैक्यूम का आता था, तो ये यहाँ से अपना म्यू आ जाएगा। तो जब यहाँ से म्यू आ जाएगा, तो अब देखो इसी को बस तुम सॉल्व कर लो। हम सबको पता है म्यू की जो वैल्यू होती है रिलेटिव परमीएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ दिस इन साइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई करेंट आई। अब देखोगे जो मैग्नेटिक हमें इससे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन साइड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ऐसे एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली है, एरिया वेक्टर भी टेंजेंशियली होता है, टेंजेंशियली बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे होता है, हॉरिजेंटल होगा। तो थीटा या जीरो, तो कॉस जीरो यहाँ वन होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एक टर्न में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इतना होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बी की वैल्यू डाल दो, म्यू आर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स है वो दिया हुआ है वो, अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो यहाँ, टर्न्स कैपिटल एन से मल्टीप्लाई भी करोगे तो सारी की सारी वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से 4π×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू 4π×10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 400 × लेंथ 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मल्टीप्लाइड बाई करेंट 0.4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 2×10⁻⁴ और नंबर ऑफ टर्न्स 400। तो यहाँ से म्यू आर कैलकुलेट कर लो, तो ये 0.4 ने 0.4 को कैंसिल कर दिया, 4π ने 4π को कैंसिल कर दिया, तो ये 2 0, ये 4 0, ये जो 4 0 थे पॉइंट वाले, ये इससे इससे ख़त्म हो गए। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई 10⁻⁷ और मल्टीप्लाइड बाई 32 और डीवाई इज इक्वल टू म्यू आर, यही तो हुआ भाई, देख लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10/32, दैट इज द म्यू आर। 10/32 मतलब ये आ जाएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो आ जाएगा वो 5/16,
जो कि इसका सोलूशन है। तो ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम और ये 16, तो 5/16 इसका फाइनल सोलूशन है। मतलब ये डी ऑप्शन सही है और ये सारे गलत हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।